हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अब तक हमने जो जैक मॉडल पेपर आया है सेट टू, उसका क्वेश्चन नंबर 1 से अप टू 12 तक सॉल्व कर लिया है, जो कि ग्रुप ए का एमसीक्यू है। तो आज के इस सेट में हम सॉल्व करेंगे 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है और वो है ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एस्टैब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी तीनों इफेक्ट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वेव नेचर ऑफ लाइट को एस्टैब्लिश करता है। और साथ ही जो पोलराइजेशन है वो वेव नेचर के ट्रांसवर्स वेव नेचर को शो करता है। तो यहां पर ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव्स इज 16:9। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी। तो यहां पर दो लाइट वेव्स दिया है और उसका रेशियो दिया है इंटेंसिटी का, और पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को यूज करेंगे। तो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस से हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है लाइट वेव का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और यहां क्वेश्चन में दिया है दोनों लाइट वेव्स का जो इंटेंसिटी है उसका रेशियो, दैट मीन्स I1 बाई I2 इज 16:9। सो I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट मीन्स I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, और ये हो गया 16:9। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा A1 बाई A2 विल बी इक्वल टू 4:3। और यहां से हमें मिलता है A1 A2 का रिलेशन, A1 इज इक्वल टू 4:3 A2। तो ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन आ गया। अब यहां पर पूछा है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है आई मैक्स, वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई मैक्स बाय आई मिनिमम, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर बाय A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो यहां पर A1 और A2 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट मीन्स A1 इज गिवन इन टर्म्स ऑफ A2, तो A1 की जगह हो जाएगा 4:3 A2 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4:3 A2 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A2 कॉमन आएगा, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, 4:3 प्लस 1 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया 4:3 प्लस 1 इज 7:3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 4:3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1:3, तो 1:3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 49:9 और डिनोमिनेटर में हो गया 1:9, तो 9:9 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 49:1। सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू 49:1। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज 49:1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज गिवन बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एज लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, p है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, द मटेरियल पार्टिकल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिसाइडेड बाय बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हाई होगा तो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी हाई होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी
कम होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज कॉल्ड. तो ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत ही फेमस रिलेशन है. इस रिलेशन को हम कहते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन. फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अलग होता है, क्वांटम इक्वेशन अलग है. सो दिस ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 कि द डीके कॉन्स्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा. तो इट्स हाफ लाइफ टाइम इज गिवन बाय. तो डीके कॉन्स्टेंट और हाफ लाइफ का जो रिलेशन होता है दैट हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू लॉग टू बाय लैम्डा. तो ये वाला रिलेशन डिराइव किया गया है. आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो में देख सकते हैं जहां रेडियो एक्टिविटी है. रेडियो एक्टिविटी जो प्लेलिस्ट है उसमें जो रदरफोर्ड सॉडी लॉ है वहां पे ये एक्सप्लेन किया गया है रदरफोर्ड सॉडी लॉ के बाद कि ये रिलेशन कैसे आता है हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ टाइम इज लॉग टू बाय लैम्डा. तो उसके बाद है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होल्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं. तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ. अगर कंडक्टर यहां पे होता तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी होता है, बट इन सेमीकंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ पार्टिसिपेट इन कंडक्शन. इसके बाद द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ आउटपुट्स इन अ लॉजिक गेट इज. तो लॉजिक गेट में जो आउटपुट होता है वो हमेशा 1 होता है. इनपुट कैन बी 1 और मोर देन 1. जैसे कि नैंड गेट में 1 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, एंड और गेट में 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 1. आउटपुट हमेशा 1 होगा. सो यहाँ पे कंप्लीट होता है ग्रुप ए मॉडल सेट 2 का. तो इसमें एमसीक्यू था, चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था. इसके बाद है ग्रुप बी जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें 7 क्वेश्चंस है. तो अपकमिंग वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स ग्रुप बी को डिस्कस करेंगे. अगर इस ग्रुप में कहीं पर भी इस क्वेश्चंस में कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.